नमस्ते मित्र मंडली, कैसे हैं? बताइए, मैं आज किस लिए याद कर रहा हूँ? एक ही पृथ्वी है, ओनली वन अर्थ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। मैं बार 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 याद दिलाता रहूँगा, चिंता मत करो, ठीक है? घर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मैं सभी से चर्चा कर रहा हूँ। आई टॉक टू होल वर्ल्ड। वी आर गोइंग टू माई मदर अर्थ। आई कनेक्ट टू ऑल पीपल इन ऑक्सीजन पार्क चैनल। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ओनली वन अर्थ। सो क्या हम कितना खुद से कर सकते हैं, खुद कितना सुधर सकते हैं? अपने आप से कितना रिपेयर हो सकते हैं पर्यावरण के लिए, पृथ्वी के लिए? तो थोड़ी सी मैंने पहल करी है मेरी खुद की, मैं कुछ कुछ वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। होल वर्ल्ड टॉकिंग टू मी एंड स्मॉल स्मॉल क्लिप्स सेंड मी 9081439222, 9081439222, दिस नंबर इज माई व्हाट्सएप। काफ़ी सारे मित्र मुझे भेज रहे हैं इस इवेंट में ज्वाइंट होकर साथ में चल रहे हैं। सो माई रिक्वेस्ट इज ऑल पीपल, 700 CR पीपल, होल अर्थ, वन स्मॉल स्टेप, वन स्मॉल स्टेप, देन ऑल एरर इज क्लीन। ना छोटा सा कदम उठाएं तो एनवायरनमेंट के प्रति जितने भी एरर हैं सब ठीक हो सकते हैं। 700 करोड़ से ज़्यादा हम हैं पूरी पृथ्वी पर। एक एक आदमी एक एक स्टेप उठाएगा ना, तो 700 करोड़ कदम उठते हैं, ठीक है? आइए मिलकर क्लीनिंग पर लगे। धरती माँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग को तरस रही है। ऐसी फार्मिंग करें, मैं किसानों के साथ हूँ, एवरी फार्मर इज ऐसी फार्मिंग करें कि जीरो कल्टीवेटेड फार्मिंग, जिसमें कल्टीवेटर नहीं चलाना हो, जीरो टिलिंग फार्मिंग करें जिससे पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो। इस तरह की फार्मिंग करें कि एक ही बार प्लांटेशन करना हो और वो कंटिन्यू 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 ऑक्सीजन देता जाए। वन टाइम प्लांटेशन इज़ वेरी सक्सेसफुल फार्मिंग। एक ही बार प्लांटेशन करें ताकि वह पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए ऑक्सीजन निर्मिति करते रहें। एंड एवरी इंच आर इंच इज ग्रीन, लश्कर ग्रीन कर दें। कैसे ग्रीन करें हम? हर इंच बाय इंच को कैसे ग्रीन करें? पेड़ पौधे लगाएं, जो लगे हुए हैं उन्हें न काटें। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको हम काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। उनको नहीं काटना है, लगे हुए पेड़ पौधों को नहीं काटना है। ये भी हमारी बहुत बड़ी बचत होगी। इसीलिए बैम्बू है। यस, ऑक्सीजन पार्क की टीम ने बैम्बू को क्यों चुना है कि बैम्बू एक बार प्लांटेशन करते हैं तो उसके हर साल 12 से 15 सूट आते हैं, पोल आते हैं बैम्बू प्लांटेशन के बाद, तो उसकी हरियाली कभी जाती नहीं है। बाम्बू का नेचर ही खुद है कि तीसरे साल वाला खुद रिवर्स होने लगता है। जो रिवर्स होने लगता है उसकी पत्तियाँ ड्रॉप हो जाती है, उसको हार्वेस्ट कर लो, और जो ग्रीन है, लश्कर ग्रीन है, बेबी है, यंग है, वो वैसा ही हरा खड़ा रहेगा। दुनिया में एकमात्र पौधा है बांस जो एक ही बार प्लांटेशन किया तो लाइफ टाइम हरा खड़ा रहता है। 50 साल, 100 साल, 100 ईयर इज लश्कर ग्रीन प्लांट इज ओनली वन बैम्बू। कितनी भी आप तकलीफें दो वो खड़ा रहता है। हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बम ब्लास्ट हुआ था जहाँ पर एक ही पौधा ऐसा था बांस, जो 21 दिन में वापस नई कोपले लेकर आया, रीफुटाव हुआ उसका। फार्मर ऐसी फार्मिंग करें।
डीफॉरेस्ट्री जहाँ हो सकती है हो गई है वहाँ पर रीफॉरेस्ट्री करें। ये फॉरेस्ट विभाग से मैं बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के जितने भी फॉरेस्ट विभाग है, ऑल वर्ल्ड इज फॉरेस्ट आइडेंटिटी इज डीफॉरेस्ट्री टू रीफॉरेस्ट्री इन बैम्बू प्लांटेशन। छोटे छोटे स्मॉल कदम उठाएं, बैम्बू को कहीं पर जगह दें तो काफ़ी अच्छा काम होगा। नमस्ते भूपेंद्र जी, मैं कुछ भारत के और भारत के बाहर के मित्रों के लिए बाइट बना रहा था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून के लिए, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा है, हमें करना ही चाहिए। और जो हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये वृक्ष। क्योंकि हम लोग अगर बात करें तो एक बच्चा पैदा करने में तो 9 महीने ही लगते हैं। यस। और इनको रख रखाव बनाना और काफी बड़ी मेहनत लगती है, सालों साल लगते हैं। और कुछ छोटी सी जरूरत के लिए लोग अपने घर के सामने शायद मकान बना रहे हैं। आप अंदर बैठ रहे थे, मैंने यही बात बोली कि नए पेड़ पौधे लगाना अच्छी बात है, लेकिन पुरानों को रखना, उसको काटना नहीं है, ये दूसरी बात है। तो भी हम हरियाली को जिंदा रख सकते हैं, बहुत बड़ा पॉइंट है। और क्या एक छोटी सी जरूरत के लिए लोग एक आसानी से काट देते हैं। शायद हम माँ प्रकृति की तकलीफ को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कितनी तकलीफ में है और कैसे गुजर रही है। और अभी हमारा तो पूरा मोड अभी चेंज हुआ है, मैं खुद किसान हूँ तो कई सारे किसानों से निवेदन भी है, अपने खेत के आसपास कई सारी मेड़ या खेत ऐसा ही पड़ा रहता है, वहाँ पर पेड़ जरूर लगाएं, वहाँ पर हरियाली करो। बिल्कुल, वहाँ पर इंच बाय इंच जगह को आप हरा कैसे कर सकते हैं, हाँ, प्रकृति के साथ कैसे रह सकते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। क्योंकि भविष्य की प्लानिंग हो चुकी है। Yes. हम शायद नहीं कर रहे हैं, वो हमारी गलती मानी जाएगी आगे चल के। कुछ ऐसा होने वाला है, आज हम देखो अभी मई का महीना है, शायद सुबह सुबह ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है, पर दोपहर में अभी देखे तो बहुत हार्ड टेम्परेचर है। आज से 6 रोज पहले ऐसा लग रहा था कि बारिश आ ही गई, मतलब अनइवन जो बैलेंस बन रहा है, बैलेंस जतर कतर हो गया सब, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जो गड़बड़ हो रहा है ये तो एक छोटा सा शुरुआत दिख रहा है, शुरुआत। मतलब हम लोग बात करते हैं कि कलयुग, छोड़ो कलयुग और वो सब, आज वर्तमान क्या होने वाला है। वर्तमान बहुत खतरनाक दिख रहा है, वर्तमान, हम भविष्य की तो बात ही नहीं करें। क्योंकि आज जो मोड है, पिछले साल बारिश हुई थी, लोगों को लगता है बहुत अच्छी बारिश हुई थी, 10 अगस्त को हुई थी भाई बारिश। मैंने बड़वानी में मध्य प्रदेश में कभी 10 अगस्त की बारिश ही नहीं देखी है। बारिश आती 15 जून से 15 जुलाई के बीच में, बिल्कुल है ना, 10 अगस्त कितना लेट हुआ। से प्रकृति खेल खेल रही है, मैं सबको इस माध्यम से बता रहा हूँ कि आप खुद क्या कर रहे हैं, आपकी सोच, आपका ओपिनियन मुझे शेयर कीजिए ताकि पूरे भारत के और भारत के बाहर के व्यक्तियों तक पहुँचे। और अगर एक शब्द भी आप तक पहुँच पाया और कुछ आपने चेंजेस किया तो मेरे लिए काफ़ी होगा। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू। ज़्यादा अच्छा लगे और पब्लिक तक भेजिए इसको। 5 जून को हमको सबको मिलकर के, भारत ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, घर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की मैं सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आइए हम मिल करके धरती माँ के साथ में कैसा अच्छा व्यवहार करें उस पर मंथन करते हैं और आगे बढ़ते हैं।